नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, हिंदी व्याकरण की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज का टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि है। तो चलिए, टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट्स है, भाषा किसे कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, भाषा के प्रकार क्या हैं। फिर भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। फिर चौथा पॉइंट, लिपि की परिभाषा क्या है। फिर पांचवा अंतिम पॉइंट, व्याकरण किसे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, सरल शब्दों में पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य मतलब जिसका मतलब है वाणी, कहना या प्रकट करना। अतः व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से दूसरे के सम्मुख प्रकट करता है, तथा दूसरा व्यक्ति समझकर अपनी बात को कुछ ध्वनि संकेतों के द्वारा दूसरे के सामने रखता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम भाषा बोलते हैं। नीचे परिभाषा आप देखिए, हम आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं वह भाषा ही है। दूसरी परिभाषा देखें तो इसमें भी कहा गया है, मानव अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब जब हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं तो जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, वही माध्यम, वही साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि जैसे संसार में सभी बच्चे जन्म लेते हैं, तब जब बच्चा छोटा होता है तो किसी प्रकार की भाषा वह बोल नहीं पाता, परंतु जब उसे भूख लगती है या कहीं दर्द होता है तो वह रो रो कर अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे विचारों को प्रकट करने वाली भाषा सीख लेता है। कहने का माध्यम यह है, कहने का मतलब यह है कि भाषा का जो अर्जन है वो धीरे धीरे होता है, समय के साथ होता है, एकदम से नहीं हो जाता। तो चलिए, भाषा को हम सरल माध्यम से इस चित्र के सहारे समझते हैं। देखिए, यहाँ मंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और माइक लगा हुआ है, और मंच के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर व्यक्ति जब अपनी बात कुछ कहता है तो मंच के नीचे बैठे हुए लोग उसको सुनते व समझते हैं। यही साधन, यही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आप इसे इस चित्र के माध्यम से थोड़ा इमेजिनेशन करके आप समझ सकते हैं कि भाषा है क्या। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो सबसे पहले प्रकार से समझते हैं कि पहले प्रकार क्या है। पहला प्रकार है मौखिक भाषा। तो यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है, मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्ति करते हैं। कहने का मतलब कि जब हम अपनी बात बोल कर प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सेल्स एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहा है। अब चलिए समझते हैं दूसरी भाषा के बारे में। दूसरी प्रकार की भाषा जो है लिखित भाषा है। लिखित भाषा क्या है, यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। कहने का सिंपल मतलब यही है कि जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह कौन सी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, लिखित भाषा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि लिखित भाषा का प्रयोग वही लोग करते हैं जो शिक्षित होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब चलिए अंतिम प्रकार के बारे में भी बात कर लेते हैं। अंतिम प्रकार है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब, अगर आप ऐसे समझें कि आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे या गाड़ी लेकर कभी आप सिग्नल पर देखे होंगे, तो सिग्नल पर देखे होंगे आप कई सारी लाइट्स लगी हुई होंगी, तो वो लाइट्स बोलकर नहीं बताती, वो एक सिंबल है जिसको देखकर आप समझ जाते हैं कि रुकना है कि चलना है। तो क्या है सांकेतिक मतलब, कि जब हम संकेतों के माध्यम से उस बात को, भाव को या इमोशन को समझ जाते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, ये भाषा का सांकेतिक रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप देखिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है, बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा है ना कि अब सिक्स लगता है, फोर लगता है, उसके लिए कुछ संकेत हैं, कुछ संकेतों के माध्यम से बताया जाता है कि क्या, कितने रन्स व्यक्ति को मिले हैं या बैट्समैन को मिले हैं।
अब चलिए शुरू करते हैं तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि भाषा के विशिष्ट रूप या भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो पहला भाषा का रूप है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है या बच्चा अपने परिवार के द्वारा सीख कर आता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय अपने परिवार के द्वारा ही होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं, उसी प्रकार उर्दू भाषी परिवार के बच्चे उर्दू सीख जाते हैं। कहने का मतलब कि जिस परिवार में बच्चे का पालन पोषण होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे जो भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चा धीरे धीरे उस भाषा का अर्जन कर लेता है। तो ऐसी भाषा को हम मातृभाषा बोलते हैं। फिर आती है बोली। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोली ही आगे चलकर जब विकास की चरम सीमा पार कर लेती है या चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां भी हैं जैसे राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अब चलिए बात करते हैं राजभाषा के बारे में। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, भारतीय संविधान द्वारा आर्टिकल 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। कहने का तात्पर्य, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी भाषा को दिया गया। और वो डेट भी मेंशन की गई है 14 सितंबर 1949। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा आती है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो सकता है। अब आप राजभाषा को इस प्रकार से समझें कि यह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में, मतलब ऑफिसेस में कामकाज के लिए किया जाता है, ऐसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में यही अंतर है कि जो देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है, उसे हम बोलते हैं राजभाषा। राष्ट्रभाषा समझते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम इसे दोहराते हैं। इसके सम्मेलन का पावन संकल्प लेते हैं। हालांकि हम बता दें कि संविधान में अभी तक इस चीज़ का प्रावधान या इसके बारे में नहीं बताया गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, इसलिए हम इसे मान सकते हैं। फिर आते हैं अन्य भारतीय भाषाओं पर। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया। इसके अलावा भी और बहुत सारी भाषाएं हैं। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच और भी अनेक सारी परिभाषाएं हैं। तो इस प्रकार से भाषा के विविध रूपों के बारे में हमने चर्चा की। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि लिपि की परिभाषा क्या है या लिपि किसे कहते हैं। तो बेटा, लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में लिपि को हम समझें तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव को भाषा के विकास करने के क्रम में कुछ ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। इन ध्वनियों को चिन्हों का रूप दिया गया, यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाए। कहने का मतलब है, जो मानव भाषा का प्रयोग कर रहा था, उन भाषाओं के ध्वनि संकेतों को एक प्रतीक चिन्हों में ढाल दिया गया। हर भाषा के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे आप अंग्रेजी में देखेंगे तो उसकी लिपि अलग है, उसमें ए होता है, बी होता है, फ्रेंच में अलग, चाइनीज़ का अलग, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में भी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, इसमें भी लिखने के लिए अलग से जो चिन्ह हैं, संकेत हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम भाषा को लिखित आकार देते हैं, लिखित रूप देते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो लिपि आई थी वो कौन सी लिपि थी, वो थी चित्रलिपि, वो चित्रलिपि थी। उसके बाद प्रतीक लिपि आई। यहाँ पर परिभाषा जो दी गई है इसको समझते हैं कि भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। या सिंपल से समझ लें कि भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं।
अब कुछ प्रमुख लिपियाँ भी दी गई हैं, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी की मैंने लिपि बता दी, देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत की भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी या नस्तालीक भी कहते हैं, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की कौन सी लिपि है बांग्ला, अंग्रेज़ी की रोमन और फ्रांसीसी की फ्रेंच और रोमन। इस तरीके से हमने लिपि के बारे में समझ लिया। अब अंतिम पॉइंट समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की क्या परिभाषा है, व्याकरण को हम कैसे समझें। चलिए अंतिम पॉइंट की शुरुआत करते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे तो व्याकरण की अत्यंत सरल रूप में परिभाषा दी गई है, आप पढ़िए और समझिए। देखिए, व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। यह भाषा को संयत मतलब नियमित करता है। जैसे दो छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अब यहाँ पर इस वार्तालाप से समझिए व्याकरण क्यों आवश्यक है जानना। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए व्याकरण को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रयोग हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। रत्नेश, वो कहता है सुरेश मेरी बहन रात को खूब रोता है। तो सुरेश क्या रिप्लाई देता है, तुम गलत बोल रहे हो रत्नेश, तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी बहन रात को खूब रोती है। बहन स्त्रीलिंग है और तुम क्रिया पुल्लिंग की प्रयोग में ला रहे हो, यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है। रत्नेश क्या कहता है, तुम्हारा कथन सत्य है सुरेश, अब मैं गलती नहीं करूँगा। अब यहाँ पर परिभाषा समझ लेते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा को व्यवस्थित और शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा। हमें उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी मदद करेगा और स्पेशली उन लोगों को काफ़ी मदद करेगा जो व्याकरण को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।